हाय दोस्तों, मैं राकेश बात कर रहा था एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो देख रहे हैं, स्वेज विलेज के नाम से मुक्तेश्वर में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी हमारे पास आई हुई है और इसके अंदर हमारे पास दो कॉटेजेस हैं, प्लस इसके अंदर आपको प्लॉट के ऑप्शन मिल जाएंगे हमारे पास। ये जो डुप्लेक्स देख रहे हैं, ये आपके 2 BHK डुप्लेक्स है और ये 200 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसमें काम आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत है। आज के टाइम में यदि मुक्तेश्वर की बात करें तो कभी आप यदि आप आए होंगे नैनीताल, तो रामगढ़ एक एरिया पड़ता है मार्केट से, उससे भाई नियर बाई पड़ता है ये, और काफ़ी बड़ी टाउनशिप है ये जिसके अंदर ये है। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने से, ठीक है। ये डुप्लेक्स आज के टाइम में जो देखी जाती है, 2 बेडरूम बना हुआ है। इसमें क्या है, काफ़ी दिन से बंद है, इसमें कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा काम करवाना पड़ेगा आपको। कंप्लीट फुली फर्निश्ड है ये, और जिसके अंदर जो है इसके अंदर 2 BHK और 3 बेडरूम का डुप्लेक्स हमारे पास आ रहे हैं। ये 2 बेडरूम का ये 200 स्क्वायर यार्ड का, और आज के टाइम में जो देखी जाती है लोकेशन इसकी काफ़ी खूबसूरत है। सारा जो व्यू होता है जो है इसकी डुप्लेक्स की, ठीक है, वो सारा हिमालय व्यू है, ठीक है। इसकी जो आज के टाइम में लोकेशन जो देखते हैं, ठीक है, बालकनी से यदि बात करें या टेरेस से बात करें तो प्रॉपर आपको जो है हिमालय व्यू दिखेगा। आज के टाइम में यदि मुक्तेश्वर की बात करें तो यहाँ पर जो आपको प्रॉपर तरीका गेटेड टाउनशिप है ये, और इसे जो देखी जाती है इसमें पानी की बात करें, पार्किंग की बात करें, पूरा ही सेपरेट आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा पहाड़ों में जो दिक्कत होती है वो पार्किंग को लेकर दिक्कत होती है, वाटर कनेक्शन की होती है। इन्होंने दोनों काम कर रखा है। इसके अलावा ये क्लब हाउस बना के दे रही है, सामने पूरा हिमालय भी है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। अभी तो वेदर अच्छा है, यदि आप दिसंबर जनवरी में आओगे, ठीक है, पूरी कॉटेजेस के सामने पूरी बर्फ बिछी होती है, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा ये 3 BHK का डुप्लेक्स है, इसमें 1350 स्क्वायर फीट का है, और इसके अंदर भी हमारे पास एक रीसेल में आया हुआ है, तो दो डुप्लेक्स आपके हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें प्लॉट मिल जाएंगे आपको, प्लॉट के ऑप्शन हमारे पास है। कोई अभी प्लॉट लेके न्यू कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो प्लॉट भी मिल जाएंगे। प्लॉट का जो मिनिमम साइज है इसके अंदर वो 200 स्क्वायर यार्ड से लेकर 600 स्क्वायर यार्ड के मिल जाएगा आपको। पूरी तरह से डेवलप है ये, तो आप 100% पेमेंट देके इसे आप जो है अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। पहाड़ों पर जो कंस्ट्रक्शन करने का जो कंडीशन होता है, यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्टली ज़्यादा गिरती है, क्योंकि पहाड़ पर जो मटेरियल ले जाना होता है उसका कॉस्ट इन टोटल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट जो देखी जाती है वो 3200 से लेकर 3300 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा गिरता है। इसके अलावा जो देखी जाती है आज के टाइम में, इसमें बैंक लोन अवेलेबल है, इसे आप चाहें तो बैंक के लोन ले सकते हैं, ठीक है, और जो भी यहाँ का सर्कल रेट है उसके हिसाब से आपका प्लॉट का लोन होगा आपका, और जो कंस्ट्रक्शन की बात करें 70-80% आपका लोन हो जाता है कंस्ट्रक्शन पे। तो दोनों चीज़ के अंदर इसमें ICICI बैंक करा लीजिए आप, सेंट्रल बैंक के करा सकते हैं, और इसके अलावा एक दो बैंक और है जो आपको दे सकते हैं। ये भी देखेंगे कॉटेजेस का व्यू जो है प्रॉपर दिख रहा है, सामने हिमालय व्यू है, सारे जो प्लॉट के साइड जो है आपको हिमालय भी दिखेगा आपको। पार्किंग आपके प्लॉट के सामने होता है, क्योंकि यहाँ पर 100% के प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, 40% या 50% पर कंस्ट्रक्शन होती है, बाकी एरिया आपको ओपन रहता है, तो वहाँ पर पार्किंग लगा लो और आप अपना आपसे गार्डन भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। इसके रिगार्डिंग यदि कोई भी क्वेरी होती है, ये नंबर मेरा है, व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग में आप ये कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।